हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट्स की यूनिट टू, जो है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। इसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले अभी दो प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है कि रेक्टिफायर्स एंड पावर सप्लाईज पर है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, हाउ मेनी पीएन जंक्शन डायोड्स इज आर यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ आपका आ जा रहा है कि कितने जो है कि पीएन जंक्शन डायोड्स हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, हाउ मेनी पीएन जंक्शन डायोड इज आर यूज्ड इन सेंटर टाइप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने जो है कि डायोड्स यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। तो सेंटर टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें दो जो है कि डायोड्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, हाउ मेनी पीएन जंक्शन डायोड्स इज आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स यूज किए जाते हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 4। तो 4 डायोड्स जो है कि ब्रिज रेक्टिफायर्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इज गिवन बाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू जो है करेंट की वो क्या होगी, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा ये बताना है। तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है डीसी वैल्यू, करेंट की डीसी वैल्यू क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IDC इजकल टू E0 अपान पाई ब्रैकेट में RD प्लस RL। यहाँ पर जो है E0 जो है ये मैक्सिमम EMF है या वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो है। RD जो है कि ये डायोड्स का रेजिस्टेंस है, RL जो है कि लोड का रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाता है यहाँ पर E0 अपान RD प्लस RL को देखा जाए तो ये मैक्सिमम करंट होता है जिसको हम I0 से भी लिखते हैं। तो IDC को हम I0 अपन पाई भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज गिवन बाई। अब DC वोल्टेज की बात की जा रही है कि लोड के अक्रॉस हाफ वेव रेक्टिफायर में DC वोल्टेज कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी EDC इजकल टू E0 अपान पाई RD प्लस RL इंटू RL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय। तो फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए एवरेज वैल्यू जो होगी करंट की क्या होगी, यानी DC वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IDC इजकल टू 2 I0 अपन पाई ब्रैकेट में RD प्लस RL। और यहाँ पर यदि हम हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेरिजन करें तो इसकी जो वैल्यू है फुल वेव रेक्टिफायर में वह हाफ वेव रेक्टिफायर की 2 times है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज गिवन बाय। अब यहाँ पर जो है कि फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए DC वोल्टेज लोड के अक्रॉस कितना होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी EDC इजकल टू 2 E0 अपान पाई RD प्लस RL इंटू RL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, रेक्टिफायर इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए
रेक्टिफायर्स की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईटा इक्वल टू 40.6 अपॉन 1 प्लस आरडी अपॉन आरएल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। रेक्टिफायर एफिशिएंसी या फुल वेव रेक्टिफायर इज, फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईटा इक्वल टू 81.2 अपॉन 1 प्लस आरडी अपॉन आरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। रिपिल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए रिपिल फैक्टर कितना होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आर इजकल टू 1.21। तो रिपिल फैक्टर जो होता है ये बताता है कि जो रेक्टिफायर्ड आउटपुट है उसमें एसी कंपोनेंट का पर जो रेशियो है वो डीसी के रिस्पेक्ट में कितना है, तो यह 1 से ग्रेटर आ रहा है, दैट मीन्स जो एसी कंपोनेंट है वो डीसी कंपोनेंट से अधिक है। नेक्स्ट 11, क्वेश्चन 11। रिपिल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर कितना होता है ये बताना है। तो ये होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आर इजकल टू 0.482। तो इसमें जो है कि रिपिल फैक्टर 1 से लेस आ रहा है, दैट मीन्स इसमें जो एसी कंपोनेंट है वह डीसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रिफिल फैक्टर ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो एक फुल वेव रेक्टिफायर जैसा ही होता है, तो इसका जो रिफिल फैक्टर होता है यह भी 0.482 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर विच इज करेक्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट है, एफ आउटपुट इज इक्वल टू एफ इनपुट, यानी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट की फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विच इज करेक्ट, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 times एफ इनपुट, यानी आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह इनपुट की फ्रीक्वेंसी का 2 times होता है, 2 times होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर रूट मीन स्क्वायर मीन्स RMS वैल्यू ऑफ करेंट इज गिवेन बाई, तो हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए RMS करेंट की RMS वैल्यू कितनी होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IRMS इजकल टू I0 अपान 2 ID प्लस RL। तो ये होता है यहाँ पर E0 अपान RD प्लस RL जो ये I0 के बराबर होता है मैक्सिमम करंट, तो IRMS जो है कि मैक्सिमम करंट का हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई, ये जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद जो है कि फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए बताना है RMS की वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IRMS इजकल टू E0 अपान अंडर रूट 2 ब्रैकेट में RD प्लस RL, या हम यह कह सकते हैं कि I0 अपान अंडर रूट 2 होता है। तो यह जो है कि जो IRMS की वैल्यू जो है हाफ वेव रेक्टिफायर्स में होता है उसका यह अंडर रूट 2 times होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विच डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, द वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए कौन सा डायोड यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जेनर डायोड। तो डियर स्टूडेंट, जेनर डायोड जो है कि
वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, वर्क ऑफ ए फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफिकेशन इज। तो रेक्टिफिकेशन जो होता है उसमें फिल्टर सर्किट का क्या काम होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है उसके बाद जो कि एक फिल्टर लगा दिया जाता है, तो उस फिल्टर का क्या काम होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, टू रिमूव एसी कंपोनेंट फ्रॉम रेक्टिफायर आउटपुट। तो रेक्टिफायर आउटपुट से जो एसी कंपोनेंट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, एन एल फिल्टर जिसको हम चोक इनपुट फिल्टर या फिर सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी कहते हैं, यूज्ड ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हैज, जो कि रेक्टिफिकेशन के समय एल फिल्टर यूज किया जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वन कैपेसिटर एंड वन चोक, चोक मतलब इंडक्टर। तो एल फिल्टर में एक एक कैपेसिटर होता है और एक चोक या फिर इंडक्टर होता है, और यह जो इंडक्टर है वह स्टार्टिंग में लगा होता है, उसके बाद जो है कि कैपेसिटर लगा रहता है, और दोनों ही सीरीज में होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ए पाइप फिल्टर यूज्ड ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हैज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यह पाइप फिल्टर में जो यूज किया जाता है सर्किट वह उसमें क्या क्या होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू कैपेसिटर्स एंड वन चोक या इंडक्टर। इसमें दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर यूज होते हैं। तो पहले क्या होता है, कैपेसिटर होता है, फिर इंडक्टर होता है, फिर क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट के साथ कि ये पाई की तरह बनाते हैं शेप, तो इसीलिए अभी इसको हम पाई फिल्टर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो का जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।